असल स्टूडेंट्स टू टॉपिक इज कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल डिस्कस किया था जिसमें प्रोग्राम का कंट्रोल विदाउट एनी कंडीशन प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर हो रहा था आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरह से किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर होता है द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉजिज़ द स्विचिंग ऑफ द कंट्रोल फ्राम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर डिपेंडिंग ऑन अ सर्टन कंडीशन

इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट व्हिच अलाउज ओनली वन ट्रांसफर पॉइंट द ओन गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर दैन वन ट्रांसफर थर्स प्रोवाइडिंग मल्टीपल ब्रांचिंग फैसिलिटी स्टूडेंट्स हमने गो टू स्टमेंट में डिस्कस किया था सिंटेक्स में सिंपली गो टू के बाद एक लाइन नंबर था यानि के बगैर किसी कंडीशन के उस स्पेसिफिक लाइन तक कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा था और गो टू स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल सिर्फ एक लाइन तक ट्रांसफर हो रहा था स्टूडेंट्स हमने गो टू स्टेटमेंट डिस्कस की थी गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लाइन नंबर यूज होता है उस लाइन का नंबर है जहाँ तक कंट्रोल ट्रांसफर होना है यानी कि गो टू स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन तक कंट्रोल ट्रांसफर कर सकती है लेकिन ऑन गो टू स्टेटमेंट एक से ज़्यादा लाइन्स तक कंट्रोल ट्रांसफर कर सकती है दैट्स वाई ऑन गो टू स्टेटमेंट इज कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट सिंटेक्स ऑफ ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ ऑन नोमरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन गो टू एन वन एन टू एन थ्री नुमैरिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें नुमैरिक वैल्यू स्टोर होगी एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ये एक वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन है गो टू एन वन एन टू एन थ्री ये उन लाइंस के नंबर्स हैं जिन तक कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है इस नुमैरिक वेरिएबल या इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग द एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन एंड एन वन एन टू एन थ्री आर द वैलिड लाइन नंबर्स इन द प्रोग्राम वेयर द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ नुमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज़ जीरो टू टू फिफ्टी फाइव स्टूडेंट इसको एम सी क्यूज के लिए मार्क कर लें स्टूडेंट्स नुमैरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन पर डिपेंड करते हुए कंट्रोल प्रोग्राम की डिफ्रेंट लाइन्स तक ट्रांसफर होगा इफ द वैल्यू ऑफ नुमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज वन द कंट्रोल विल भी ट्रांसफर्ड टू लाइन नंबर एन वन इफ द वैल्यू इज टू दैन द कंट्रोल विल भी ट्रांसफर्ड टू लाइन नंबर एन टू इफ द वैल्यू इज थ्री दैन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू लाइन नंबर एन थ्री एंड सो ऑन यानी कि अगर यहां से वन जनरेट हो रहा है तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर एन वन तक अगर टू आ रहा है तो लाइन नंबर एन टू तक कंट्रोल जाएगा अगर थ्री आ रहा है तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर एन थ्री तक इफ द वैल्यू इज लेस और मोर देन द काउंट ऑफ लाइन नंबर फॉलोइंग द गो टू स्टेटमेंट देन एन आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड यानी कि इस डोमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन में अगर डेटा वैल्यूज गो टू स्टेटमेंट के साथ यूज होने वाले लाइन नंबर्स से कम है या ज़्यादा है तो इस केस में आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज अपियर होगा यानी हम कह लें कि यहाँ पे डेटा वैल्यूज़ कम है लेकिन कंट्रोल जिन लाइन्स तक ट्रांसफ़र होना है वो लाइन ज़्यादा है या यहाँ पे डेटा वैल्यूज़ ज़्यादा है कंट्रोल जिन लाइन्स तक ट्रांसफ़र होना है वो लाइन्स कम है तो इस केस में आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज अपेयर होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमने टू नंबर्स एंटर करने हैं ए और बी और इनको ऐड करना है सब करना है डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है यूजिंग ऑन गो टू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये शॉर्ट में भी आ सकता है सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए नंबर्स एंटर किए हैं ए बी उसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट के साथ एन की वैल्यूज़ एंटर करनी है एन एक नोमरिक वेरिएबल है ये हमने एक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग यूज़ की है ये एज इट इज प्रिंट होगी स्क्रीन पे गाइड करने के लिए के हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीन पे थ्री एंटर करना है नेक्स्ट ऑन गो टू स्टेटमेंट ऑन एन यानी कि इस नोमेरिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हुए कंट्रोल ट्रांसफर होगा लाइन नंबर थर्टी फोर्टी फिफ्टी और सिक्सटी तक सबसे पहले हम लाइन नंबर थर्टी में देखते हैं क्या है प्रिंट ए प्लस बी और उसके बाद प्रोग्राम का एंड यानी अगर एन की वैल्यू वन आएगी तो नंबर्स ऐड होंगे ए प्लस बी तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर थर्टी तक उसके बाद लाइन नंबर फोर्टी में है प्रिंट ए माइनस बी एंड यानी अगर एन की वैल्यू टू होगी तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर फोर्टी तक और सब्ट्रैक्शन होगी और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा इसी तरह से नेक्स्ट लाइन नंबर फिफ्टी और सिक्सटी ए और बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रॉपरली आइडिया दे रही है कि एन की कौन सी वैल्यूज़ के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा एन की इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल इन लाइन्स तक ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट लाइन नंबर फिफ्टी प्रिंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड यानी अगर एन की वैल्यू आएगी थ्री तो कंट्रोल आएगा लाइन नंबर फिफ्टी तक और यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे अगर एन आएगा फोर तो ए डिवाइडेड बाय बी डिवीजन का ऑपरेशन होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा वेल लाइन नंबर फाइव इज एक्जीक्यूटेड अ क्वेश्चन मार्क अपेयर्स ऑन द स्क्रीन दिस इज इनफेक्ट द प्रॉम्ड वेयर वैल्यूज़ फार ए एंड बी आर टाइप स्टूडेंट्स लाइन नंबर फाइव में हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एन बी जब यह लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मार्क अपेयर होगा क्वेश्चन मार्क की अपेयरेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि हमें ए और बी की वैल्यूज़ एंटर करनी है लाइन नंबर टेन डिस्प्लेज द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है इनपुट स्टेटमेंट के साथ यूज हुई थी एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एन की कौन सी वैल्यूज़ के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अगर एन की वैल्यू वन होगी तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर थर्टी तक अगर एन की वैल्यू टू होगी कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर फोर्टी तक थ्री के लिए जाएगा कंट्रोल लाइन नंबर फिफ्टी तक और फोर के लिए जाएगा कंट्रोल लाइन नंबर सिक्सटी तक

एंड स्टेटमेंट यूज़ की है ये एंड स्टेटमेंट कैलकुलेशन के बाद प्रोग्राम को एंड कर देगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक प्रोग्राम है ये प्रीवियस प्रोग्राम को एक और वे में लिखा गया है लाइन नंबर फाइव टेन ट्वेंटी सेम है लाइन नंबर थर्टी फोर्टी फिफ्टी और सिक्सटी थोड़ी सी डिफरेंट है स्टूडेंट्स प्रीवियस वे में हमने प्रिंटिंग के बाद एंड स्टेटमेंट यूज़ की थी लाइन नंबर थर्टी फोर्टी फिफ्टी और सिक्सटी में यहाँ पे हम एंड स्टेटमेंट यूज़ नहीं करें एंड की जगह हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करें गो टू लाइन नंबर सेवनटी हमने एक ही दफ़ा एंड लिखा है लास्ट लाइन नंबर सेवनटी में और हर एक लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम गो टू स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल ट्रांसफर करें लाइन नंबर सेवनटी तक तो प्रोग्राम एंड हो रहा है लाइन नंबर सिक्सटी के साथ हमने एंड स्टेटमेंट यूज़ नहीं की क्योंकि लाइन नंबर सिक्सटी के बाद लाइन नंबर सेवेंटी ही टर्न आनी है इसलिए इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है थर्टी फोटी फिफ्टी के साथ लिखी गई है इसकी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट भी वही होगा जो प्रीवियस प्रोग्राम का है बस लिखने का इनको थोड़ा सा ये डिफरेंट मेथड है नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट राइट क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट दिस कमांड इनएबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ डी बेसिक एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट डी बेसिक में आमतौर तौर पर एरर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो जी डब्ल्यू बी का एरर ट्रैपिंग फीचर इनेबल हो जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है ऑन हो जाता है हम इस स्टेटमेंट के साथ एक लाइन नंबर स्पेसिफाई करते हैं ताकि प्रोग्राम में कहीं भी एरर आने पे प्रोग्राम का कंट्रोल उस स्पेसिफिक लाइन तक शिफ्ट हो जाए और फिर एरर हैंडलिंग फ़ीचर इस एरर को हैंडल कर लें बेसिकली एरर हैंडलिंग का काम उसी लाइन से स्टार्ट होता है जो लाइन हमने ऑन एरर गो टू के साथ स्पेसिफाई की होती है सिंटेक्स ऑन एरर गो टू लाइन नंबर यानी कि अगर एरर आए तो इस लाइन तक जाना है यानी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू दिस लाइन लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम वैलिड लाइन नंबर यानी कि प्रोग्राम में वो नंबर होना चाहिए और दूसरा वो जी डब्ल्यू बेसिक की रेंज में होना चाहिए एरर हैंडलर्स इन जी डब्ल्यू बेसिक आर टर्न ऑन विद एन ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट एरर हैंडलिंग का फीचर अभी हमने डिस्कस किया है इस स्टेटमेंट के यूज़ की, की वजह से एक्टिव हो जाता है या ऑन हो जाता है इट इज़ ऑफन यूज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम सो दैट एरर्स अकर्ड एनी इन द प्रोग्राम कैन बी ट्रैप्ड स्टूडेंट्स आम तौर पर यह स्टेटमेंट प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में यूज़ की जाती है ताकि प्रोग्राम में कहीं भी एरर हो तो ये लाइन ये स्टेटमेंट उस एरर को हैंडल कर सके When एन एरर occurs ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द कंट्रोल इमीडिएटली ट्रांसफर्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर जैसे ही प्रोग्राम में कोई एरर अपीयर होती है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफाइड लाइन तक ट्रांसफर हो जाता है जो ऑन एरर गो टू के साथ यूज हुई है दिस लाइन नंबर specifies द beginning ऑफ अ यूजर डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन विच प्रोसेस द error अकॉर्डिंगली एरर हैंडलिंग का काम बेसिकली इसी लाइन से स्टार्ट होता है जिस लाइन पे एरर आने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होता है और फिर वहीं से एरर का मैसेज अपीयर होता है द एरर्स कैन बी हैंडल्ड इन डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट मॉड एर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मोड्स में हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है इन टी डब्ल्यू बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज बीन असाइंड अ यूनिक कोड यानी कि टी डब्ल्यू बेसिक में जो भी एरर होती है उसका एक यूनिक कोड होता है उसको एक कोड असाइन होता है वेन एन एरर अकर्स इट्स कोड इज असाइंड टू अ स्पेशल वेरिएबल नेम्ड ई आर आर यानी एरर का कोड एक स्पेशल वेरिएबल ई आर आर को असाइन होता है एंड द लाइन नंबर वेयर द एरर वॉज इनकाउंटर्ड इज असाइंड टू एन अदर स्पेशल वेरिएबल नेम्ड ई आर एल और जिस लाइन में एरर होता है उस लाइन का लाइन नंबर एक स्पेशल वेरिएबल ई आर एल को असाइन होता है द ई आर आर एंड ई आर एल आर रिजर्व वर्ड्स स्टूडेंट्स हम रिजर्व वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं ये ऐसे की वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते ये पहले से ही डिफाइंड हैं ये पॉइंट एम सी क्यूज के लिए माफ कर लें जी डब्ल्यू बेसिक नीड्स टू नो वेन इट हैज़ फिनिश्ड हैंडलिंग एन एरर यानी कि प्रोग्राम में एरर फाइंड करने के बाद प्रोग्राम को रेज्यूम कैसे करें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट करें नेक्स्ट लाइन पे क्वेश्चन लिखें हाउ टू एग्जिट फ्राम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यानी कि प्रोग्राम में एरर फाइंड हो चुकी है उसका कोड असाइन हो चुका है उस लाइन का नंबर असाइन हो चुका है टू ई आर एल जिस लाइन में एरर है अब इस फीचर से एग्ज़िट कैसे करना है वी कैन एग्ज़िट यूजिंग द रेजूम रेज्यूम नेक्स्ट रेज्यूम लाइन नंबर और एंड स्टेटमेंट हम इन चारों स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए एरर हैंडलिंग रूटीन से एग्ज़िट कर सकते हैं अब हम इन सब का पर्पज़ देखते हैं द रेज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन अगर हम रेज्यूम स्टेटमेंट यूज करें तो प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा उसी लाइन पे जाएगा जिस लाइन में एरर है और यह स्टेटमेंट ट्राई करेगी उस लाइन को दोबारा एग्जीक्यूट करने की हैंस वी शुड ओनली यूज द स्टेटमेंट द प्रोग्राम और द यूजर वर सम हाउ एबल टू फिक्स द प्रॉब इमिडिएटली रेज्यूम स्टेटमेंट हम उसी केस में यूज कर सकते हैं जब हमें आइडिया हो गया हो कि इस लाइन में क्या एरर थी अगर हम उस एरर को फिक्स कर सकें तो हम रेज्यूम स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हम उस लाइन में एरर फाइंड नहीं कर सकते उस लाइन में प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते तो हम रेज्यूम स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट इज रिज्यूम नेक्स्ट रिज्यूम नेक्स्ट रेज्यूम्स द एग्जीक्यूशन फ्राम द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगी जिस लाइन में एरर अपियर हुई है उस लाइन से नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी यानी कि जिस लाइन में एरर अपीयर हुई है उस लाइन को छोड़ देगी और उसके बाद वाली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी एंड रेज्यूम लाइन नंबर अब रेज्यूम के साथ हम लाइन नंबर यूज़ करें दिस स्टेटमेंट रेज्यूम्स द एग्ज़ीक्यूशन एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर यानी कि इस केस में रेज्यूम स्टेटमेंट इस स्पेसिफाइड लाइन नंबर से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल गिवन है इस एग्ज़ाम्पल से हम ऑन एरर गो टू को अच्छे से समझ सकते हैं फर्स्ट लाइन में ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट यूज हुई है अभी हमने डिस्कस किया था आमतौर पर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट हम स्टार्ट पे यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम में कहीं भी एरर हो तो उसको हैंडल किया जा सके तो हमने फर्स्ट लाइन में ही ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट यूज़ की है और लाइन नंबर स्पेसिफिक किया है सेवनटी यानी कि प्रोग्राम में कहीं भी एरर आए तो कंट्रोल इमीडिएटली लाइन नंबर सेवेंटी तक ट्रांसफर हो जाए सेकेंड लाइन नंबर ट्वेंटी है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इंटीजर है परसेंटेज साइन शो कर रहा है नेक्स्ट थर्टी इनपुट एंटर सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर भी परसेंटेज साइन के साथ इट मीनस ये भी इंटीजर है लाइन नंबर फोर्टी में हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और इनको स्टोर करवाया है एक और वेरिएबल आर में ये भी एक इंटीजर वेरिएबल है उसके बाद फिफ्टी में हमने रिज़ल्ट प्रिंट करवाया है रिज़ल्ट प्रिंट करवाया है हमने आर इंटीजर वेरिएबल की फॉर्म में उसके बाद लाइन नंबर सिक्सटी में एंड है ये प्रोग्राम एंड हो गया है उसके बाद एरर हैंडलिंग रूटीन है यानी वो हिस्सा जो एरर हैंडल करेगा अब जैसे ही प्रोग्राम में एरर आएगी कंट्रोल इमीडिएटली लाइन नंबर सेवेंटी तक आएगा लाइन नंबर सेवेंटी में एरर का कोड प्रिंट होगा लाइन नंबर एटी में एरर का लाइन नंबर प्रिंट होगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा अब इस प्रोग्राम में एक एरर अपीयर हुई है स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यूज़ एंटर की गई हैं फोर हंड्रेड एंड फोर फिफ्टी जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आंसर आएगा सिक्स डिजिट्स में तो सिक्स डिजिट्स हम इंटीजर में तो स्टोर नहीं कर सकते इसी वजह से यहाँ पे एरर अपीयर होगी एरर कोड है सिक्स और एरर इन ऑन लाइन नंबर फोर्टी यानी कि इस लाइन में एरर है अब थ्री डिजिट का नंबर ये है थ्री का ये है तीनों दोनों को मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई करने से नंबर बन रहा है सिक्स डिजिट्स का जो कि इंटीजर वेरिएबल हैंडल नहीं कर सकता हेयर आर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल एंड द रिजल्ट ऑफ फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फोर फिफ्टी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट हैंड्स एन ओवरफ्लो एरर अकर्स विद कोड नंबर सिक्स विच इज असाइन टू द वेरिएबल ई आर आर और ई आर एल को जो लाइन नंबर असाइन हुआ है वो लाइन नंबर फोर्टी है जिस लाइन में एरर है स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक्स